नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी के पक्षी विहार। पिछली क्लास में हमने देखा था यूपी के वन्यजीव अभयारण्य, यूपी के पक्षी विहार देखेंगे। उसी तरीके से देखेंगे मतलब मैपिंग वाइज, ना कि तालिका वाइज। आप देखेंगे कि इधर एक आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला इलाका, एक आगरा का इलाका, एक आपका रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, गोंडा, बलिया, भदोही, इन जिलों में आपके पक्षी विहार पाए जाते हैं। एक और भी होंगे पर इम्पोर्टेंट इतने ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, इसमें कैसे कौन सा रखना है, इतना याद रख लीजिए कि कौन सा पक्षी विहार कौन से जिले में है। इसके अलावा कुछ के बारे में याद रख लीजिएगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे पुराना है। बस बाकी के लिए याद रखिए कि कौन सा पक्षी विहार कौन से जिले में है। मतलब पक्षी विहार का होता है कि एक ऐसा वन्यजीव अभयारण्य या एक ऐसा विहार जो पक्षियों के संरक्षण के लिए केंद्रित है। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, ओखला बर्ड सेंचुरी, ये सब बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी मतलब ओखला पक्षी विहार, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। 1990 में बना था, कब बना था इंपॉर्टेंट नहीं है। आगरा में देखेंगे तो आगरा यूपी का सबसे गर्म जिला है ना, तो आगरा सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में बना था। इसके नीचे आप देखेंगे इधर इधर वाली जगह भदोही, भदोही में पड़ता है बखीरा, कौन सा बखीरा बाई कपड़ सब्जी, बखीरा पक्षी विहार। भदोही का नया नाम है संत रविदास नगर, तो अगर आप जिले में कहीं संत रविदास नगर लिखें देखा तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, संत रविदास नगर भदोही एक ही बात है। बलिया में कौन सा है, सुरहा ताल बाई लेफ्ट कह सकते हैं कि पक्षी विहार, सुरहा ताल बना था 1991 में। इसका नया नाम क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। आप मुझे कमेंट बताइएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किसने दी थी, और दूसरा बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सी क्रांति की थी जिसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इधर देखिए गोंडा, गोंडा में है पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी ये गोंडा में पड़ता है। एक और चीज, ये बर्ड सेंचुरी के साथ में रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या होता है, 2 फरवरी 1971 में लगभग ईरान के रामसर नाम जगह पे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समझौता हुआ था। तो जितनी भी साइटें पाई जाती हैं जहाँ आर्द्र भूमि को संरक्षण दिया जाए वो रामसर साइट है। ऐसे आप देखेंगे हरदोई में पड़ता है सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी हरदोई 1990 में बना था। कन्नौज में पड़ता है लाख बहासी बर्ड सेंचुरी, कौन सी लाख बहासी बर्ड सेंचुरी 1988। तो ये याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है यूपी का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है, इसका एरिया 80 किलोमीटर स्क्वायर लगभग है। उसके एक पड़ोस में आप देखेंगे मैनपुरी, मैनपुरी में कौन सा है, समान बर्ड सेंचुरी। देखो मैनपुरी में माता है, समान में माता है, मैनपुरी समान बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ता है, मैनपुरी में 1990। इसके बगल में देखेंगे एटा में कौन सा है, पटना बर्ड सेंचुरी। एक और कंफ्यूजन मत रखिएगा, पटना बिहार का राजधानी है लेकिन पटना यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका मतलब पटना आपका बर्ड सेंचुरी है बट एटा में पड़ता है। अच्छा एक और बात, पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, पुष्पपुर, ठीक है तो याद रखिएगा। तो पटना बर्ड सेंचुरी 1990, एटा ये सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है। तो मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ, भदोही में बखीरा बर्ड सेंचुरी संत रविदास नगर, बलिया में सुरहाताल बर्ड सेंचुरी 1991 लोकनायक जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। अच्छा और आपका एक छूट गया है उन्नाव में पड़ता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी है और उन्नाव में पड़ता है और इसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। तो मैं एक बार बचा देता हूँ, आप देखेंगे आगरा में सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा, गौतम बुद्ध नगर में ओखला बर्ड सेंचुरी, एटा में पटना बर्ड सेंचुरी, कन्नौज में लाखवासी बर्ड सेंचुरी, मैनपुरी में समान बर्ड सेंचुरी, हरदोई में सांडी बर्ड सेंचुरी, रायबरेली में समस्तपुर बर्ड सेंचुरी, प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी जिसका नया नाम मतलब पुराना नाम बेती ताल है, गोंडा में पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, भदोही में बखीरा बर्ड सेंचुरी, बलिया में सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। एक और चीज, सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सा है, लाखवासी, सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी कौन सा है, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में, ठीक है, सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी कौन सा है आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि पड़ता है उन्नाव में, वो बर्ड सेंचुरी जिसका नया नाम जयप्रकाश नारायण है, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी बलिया में, वो बर्ड सेंचुरी जिसका नया नाम आजाद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी है वो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। इस वाले वीडियो में हमने यूपी के पक्षी विहार समाप्त कर दिए, पिछले वीडियो में यूपी के वन्यजीव अभयारण्य समाप्त किए थे। अगला वीडियो जब यूपी में आएगा तो कृषि या मिट्टी या वनस्पति या फिर आप जैसा कमेंट में बताएंगे बस आप वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।